नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। जमशेदपुर के बागबेड़ा ग्रामीण इलाका जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, ऐसे में रामावती वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ सफाई का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है। देखिए, जमशेदपुर के बागबेड़ा ग्रामीण इलाका जहां पर साफ सफाई के लिए ना ही नगर पालिका है और ना ही नगर निगम, जिसकी वजह से वहां पर गंदगी का अंबार लग जाता है जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, ऐसे में रामावती वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ सफाई का बीड़ा अपने कंधे पर लिया है। रामावती फाउंडेशन ने जिला प्रशासन और जुस्को के सहयोग से विगत 7 दिनों से बागबेड़ा के शंख बाबा मंदिर, बजरंगी खेल मैदान, ट्रैफिक कॉलोनी, बागबेड़ा कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय आदि जगहों पर साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं इसमें माननीय अध्यक्ष बागबेड़ा विकास समिति और भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य सुबोध झा ने भी इसमें सहयोग किया। इस मौके पर रितु सिंह, दीपू पांडे, प्रेम कुमार, दिलीप झा, अनुराग वर्मा की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में ये कार्य करवाया जा रहा है। इस दौरान सुबोध झा ने आसपास के लोगों से ये अपील की कि साफ सफाई हो जाने के बाद वहां पर कृपया कचरा ना फेंके और पुनः गंदगी ना फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। एरिया की साफ सफाई कराया जा रहा है कि रामावती फाउंडेशन और बागबेड़ा महानगर विकास समिति के सुबोध झा जी है, उनका जो है स्पेशल जो है इसमें उनका योगदान रहा है। साफ सफाई कार्यक्रम में विगत जो है 3 तारीख से साफ सफाई कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। आइए हम कुछ इस सदन में उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध झा जी, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास भाजपा जिला कार्य समिति का जी। क्या करवा रहे हैं आप लोग आज? पूरे क्षेत्रों में बागबेड़ा का जो हमारा क्षेत्र है, रेलवे क्षेत्र हो, बागबेड़ा कोली क्षेत्र हो, जो रामावती वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से अभी हमारा बजरंगी खेल मैदान में आज 9 तारीख को जो है सफाई अभियान हमारा चल रहा है। 3 सितंबर से क्रमबद्ध पूरे बागबेड़ा क्षेत्रों में वो वार्नेस मैदान की साफ सफाई हो, चाहे हमारा रेलवे ट्रैफिक कोली की साफ सफाई हो, शंख बाबा मैदान की साफ सफाई हो, खीर बाबा मैदान की साफ सफाई हो, चाहे रोड के किनारे जो भी कचरा है उसकी साफ सफाई का अभियान 3 सितंबर से हमारे उपायुक्त महोदय सुनत कुमार जी के आदेश पर बागबेड़ा महानगर विकास समिति को पूरी व्यवस्था है, जिसको के माध्यम से रेलवे के माध्यम से रेलवे के विकास कुमार जी जो एरिया मैनेजर है उनके द्वारा विधिवत इसका उद्घाटन करके हम लोगों ने इस कार्य को शुभारम्भ कराया है। फाउंडेशन है उनका भी जैसे भी और ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ साफ सफाई का अभियान चल रहा है, जिसको के माध्यम से आईवा और जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई का अभियान चल रहा है। और ये जब तक हमारा पूरे बागबेड़ा क्षेत्र का साफ सफाई का अभियान पूरा नहीं हो जाता है, ये अभियान जारी रहेगा। और हमारे साथ में हमारी संस्था की रितु सिंह जी, हमारे समाज सेवी दीपू पांडे जी, यहाँ के प्रेम कुमार नागला जी और भी जो समाज के जितने भी लोग हैं उनका विशेष योगदान है, जैसे बाबा के पुजारी हैं, दिलीप झा जी हैं और भी जो भी लोग हैं, फिर बाबा मजार के बाबा हैं, ये सभी लोग जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। रामावती फाउंडेशन के अनुराग वर्मा जी का हमारे साथ पूरा सहयोग है, उनके द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, उनके शिष्यगण जो है यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं और इस प्रकार से सभी लोगों का योगदान से ये साफ सफाई हो रहा है। जनता से मेरा विशेष आग्रह है, जहाँ साफ सफाई हो जा रही है कृपया करके वहाँ पर जो है गंदगी को ना फेंके और इस पर सहयोग प्रदान करें।